आपके प्रतिक्रिया से 28 अक्टूबर 1965। विकार चला है तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। अभी तुम बच्चों ने क्या सुना? माता पिता, जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होते हैं ना, दादी से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो ये भी सबसे बड़ा है, दुनिया को तो पता नहीं है। बच्चों को पता है कि तुम एव माता च पिता, ये शब्द डाडे के लिए आया है, तो परिचय देना पड़े, चाहे सन्मुख, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा। तो डाडे का परिचय देना जरूरी है। जिस्मानी डाडे तो साकार होते हैं, और तुम्हारी बुद्धि में पहले पहले कौन आया? डाडा। प्रोजेक्टर पर भी जो समझाना है वो भी नंबरवार चित्र दिखाते हैं। पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझानी चाहिए कि परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना पड़े। बाबा आज प्रोजेक्टर पर समझाए गए हैं, तो पहले पहले ये दिखाना पड़ता है परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, फिर है लिखत। जो भी प्रदर्शनी पर समझाते हैं व मैगजीन भी बनाते हैं तो पहले पहले परिचय देना है। अगर गीता में नहीं लिखा है तो फिर भी लिख करके चटकाए देना चाहिए, इसमें हर्जा तो नहीं है। गीता में लिखा है भगवान वाच, तो पहले भगवान का परिचय भी तो चाहिए ना। जब तक परिचय ने लिखा है तब तक फालतू हो जाता है। अभी लिखा नहीं है तो अभी बच्चा कहता है कि एक तरफ चित्र, एक तरफ समझानी लिखेंगे। तुम्हारी बुद्धि एकदम ऊपर चली गई है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहां आओ तो जैसे घर में मां बाप दादा बैठे होते हैं, वो है हद के, और ये है बेहद का। चित्र सहित लिखत होनी चाहिए, फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते हैं, हठ योग सिखाते आए, और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे जीवन मुक्ति मिल रही है। ये है एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच की बात। ये लिख देना चाहिए, क्योंकि बड़े ते बड़ी भूल जो कृष्ण का नाम डाला है तो उसको मिटाना है।
अनेक हठ योगों से दुर्गति हुई है। एक द्वारा सिखाए गए राजयोग से सदगति होती है। जैसे बच्चों की बुद्धि में लौकिक माँ बाप डाडा याद पड़ते हैं, हूबहू ऐसे तुम्हारी बुद्धि में है, वो सिर्फ लौकिक है, ये पार लौकिक। तुमको ये पक्का है शिव बाबा हमारा बाप है तो याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है, आत्मा में खाद पड़ गई है ना, तो लिखना चाहिए कि एक द्वारा राजयोग से ये प्राप्ति होती है, अनेक से हठ योग सीखने से दुर्गति हुई है। तो दोनों का चित्र देकर के समझाना चाहिए। और परमपिता परमात्मा शिव और कृष्ण का चित्र भी हो तो इस पर घड़ी घड़ी समझाना है कि गीता का भगवान ये है या ये है, स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं, तो नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि ये रावण राज्य है, भ्रष्टाचारी दुनिया। स्वर्ग के गोले पर लिखो ये है शिष्टाचारी दुनिया। तो समय भी लिखना चाहिए कि स्वर्ग इतना समय, नरक इतना समय, और कोर्ट ऑफ आर्म्स का भी चित्र बनाना चाहिए। ये भी गवर्नमेंट है ना, तो लिखना चाहिए ये कौरव गवर्नमेंट का कोर्ट ऑफ आर्म्स, और ये है शिव गवर्नमेंट का कोर्ट ऑफ आर्म्स। तो लिखना चाहिए इस कोर्ट ऑफ आर्म से दुर्गति और इससे सदगति, तो कंट्रास्ट में लिख देना चाहिए। देखो चढ़ती कला उतरती कला का चित्र था कि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला में 1 सेकंड, तो ये हाई जंप हो गया ना। तो ये प्रिंसिपल बात है समझाने के लिए। फिर है विराट रूप का चित्र, ब्राह्मण चोटी, ईश्वरीय संप्रदाय है, ब्रह्मा मुख से रची हुई, तुम्हारा ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है, ये बात कोई को मालूम नहीं है। तो उनको समझाने के लिए चित्र बहुत अच्छा है, वैरायटी का धर्मों का झाड़ भी है ना, तो विराट रूप का चित्र बहुत जरूरी है। झाड़ का चित्र भी अच्छा है, बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है, ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है, तो गोली का चित्र भी बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत आधा घंटा 1.5 घंटा प्रोजेक्टर शो दिखाना चाहिए, क्योंकि इन बातों में मनुष्य थक जाते हैं।
स्टोरी तो कोई है नहीं, यहां तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखनी चाहिए। 28/10/1965 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण से बुलाना चाहिए, तो क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन भी लिखवाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखवाएंगे और समझा भी कैसे सकेंगे? तो इसलिए पहले पहले बड़े बड़े आदमी, विद्वान, आचार्य को पकड़ दिखाएं, फिर जनरल का करना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे करना चाहिए। और मैगजीन भी ना अच्छे अच्छे चित्रों का बनाए, साथ साथ समझानी भी लिखो, तो किसी को प्रेजेंट भी दे सके। सबसे मुख्य बात है गीता की, इसके खंडन से और शास्त्र भी खंडन हो जाते। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट बड़ा अच्छी तरह लिखना है। यह हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ दी जाती है ना, तो हिंसक योग हुआ दुख देने का, और ये है अहिंसक योग, सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, करते रहते हो, ये हिंसक योग। और अहिंसक योग, इनको भी सिद्ध करके देना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रियाएं करते हैं, ये कोई परमात्मा से मिलने के लिए नहीं करते हैं, उसको भी वो योग कह देते हैं। योग आश्रम कहते हैं ना, ये है सहज राजयोग, ईश्वर का सिखलाया हुआ। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धियोग ही सारा दिन झरमुई झगुमुई में होगा, वो नहीं समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ये होगा, सर्विस करनी है, वो कर सकेंगे। 8 घंटा वो धंधा किया, फिर ये कमाई करनी चाहिए, वो है जिस्मानी कमाई, ये है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रूह तो अनेक जन्मों से कनेक्टेड है ना। इस योग के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह सुबह उठ बाप को याद करना चाहिए, जिनको बाबा 1-2 नंबर में भी रखते हैं वो भी याद नहीं करते। भाषण तो बहुत अच्छा कर देते हैं, परंतु याद नहीं करते। आत्मा याद से ही तो उड़ेगी, ज्ञान से नहीं उड़ेगी। ध्यान में भी याद से जाते हैं ना। अब ज्ञान की तो उसे ध्यान में बात ही नहीं है, ये ध्यान तो पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो घर में बैठे भी कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती हैं ना,
बाबा हमने आपको पहचाना है। वो ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है तो उनको निश्चय हो जाता है। जिनको बाबा ने देखा भी नहीं है तो वो लिखती हैं कि हम आपको बहुत याद करती हैं, हम तो आपसे भरसा लेकर ही छोड़ेंगे, आप तो जानते हैं कि हम आपको याद करते हैं। जब कहती है आप तो शिव बाबा ही हो, याद तो आता है, तो जो बांधे लिए हैं वो बहुत याद करती है। इतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते, ये एक बात है तो याद करने की। तो जैसे गांधी कहते थे राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है, तो तुम समझा सकते हो कि चढ़ती कला परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो गिरते ही आते, देवताएं भी गिरते आते, भले ही देवताएं सुख में रहते हैं परंतु कला तो कम होती जाती है ना, जूं की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जूं की तरह चलता है धीरे धीरे। तो चढ़ती कला एक द्वारा होती है, तो समझाने के लिए प्रोजेक्टर बड़ा अच्छा है और प्रोजेक्टर बढ़ते जाएंगे, 6-8 भी हो जाएंगे। जैसे टैप पहले एक फिर दो फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं ना, तो बाबा डायरेक्शन देते हैं 6-8 प्रोजेक्टर लो और हरेक भाषा में बनाते जाओ, परंतु करने वाला तो चाहिए ना। और गवर्नमेंट के काम कितने में हो जाते हैं, यहां नहीं होता है तो समझा जाता है अभी स्थापना के कार्य में देरी है। सेंटर तो बहुत बहुत बढ़ते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हरेक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु कोई काम करने वाला नहीं है। अब बाबा युक्ति तो बताते रहते हैं परंतु करने वाला चाहिए ना, नहीं तो सर्विस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ सकती है। तो बच्चों को भाई बहनों पर रहम पड़ना चाहिए, बाबा रहम दिल है ना, मेरा आना भारत में ही होता है और जगह तो आना नहीं होता है, जयंती भी तो भारत में ही मनाते हैं ना, परंतु जानते नहीं है, समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उसके कर्तव्य को जानते हैं ना, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते, वो है ही पतित पावन। तो भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है, गीता में कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा ही गुम हो गई है। देखो मोहम्मद गजनबी ने मंदिर लूटा ना, अगर उनको मालूम होता कि हमारे बाप का मंदिर है तो लूटते थोड़े ही। 28 अक्टूबर 1965 की प्रातः क्लास का 3rd पेज। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा,
जिसने बहिष्ट स्थापन किया। अगर शिव को जाने तो कभी भी मंदिर को हाथ नहीं लगाए, भले ही वो शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान जावे तो कभी भी नहीं लूटे। तो गीता में कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। तो गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हो गया है। ओम।